हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का दोस्त दीप भट्ट और आपका मेरे इस चैनल टेक्निकल बाबा ट्यूटोरियल म्यूजिक एंड फन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपको हाइड्रो से रिलेटेड जो आपके सब स्टेशन होते हैं या जो जनरेटिंग पावर स्टेशन हैं वो किस प्रकार से अपनी बिजली को जनरेट करते हैं और SCM डेटा के थ्रू वो किस प्रकार से अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं कि कितना उनका एनर्जी जनरेट हुआ आपके इंडिविजुअल जो हमारे मीटर्स हैं जिन लाइंस के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसमिट हुआ है सब स्टेशन को या हमारे बायर को। ठीक है, तो उसका मैं प्रोसेस आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से किस तरह से हमारा टेक्नीशियन या जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं वो सब स्टेशन में वो आपका 400 KV का स्विच आउट हो सकता है, वो आपका 220 KV का स्विच आउट हो सकता है, तो वहाँ से वो लोग किस प्रकार से SCM डेटा को कलेक्ट करते हैं एनर्जी मीटर के थ्रू। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जो आपका जनरेटिंग स्टेशंस है, हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, इन्हें आप स्पेशल एनर्जी मीटर भी बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आपको अपने इसका डेटा कलेक्ट करना है ये कनेक्टर के थ्रू, किस तरह से हम कनेक्टर को फिक्स करते हैं। ये देखिए आप, इसका मैं बैक साइड आपको दिखा रहा हूँ और अभी मैं इसे फिक्स करने जा रहा हूँ। ये मैं कनेक्ट कर चुका हूँ, अब मैं विन प्लस सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ और विन प्लस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही मैं यहाँ पर अपना जो जनरेटिंग स्टेशन का डेटा है वो कलेक्ट करूँगा। बेसिकली जितने भी हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड सेम होता है, AMR इसका यूज़र यह है और यही पासवर्ड है। तो मैं अभी इंटर कर चुका हूँ विन प्लस के अंदर। यहाँ पर आपको जनरल री डेटा कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग फीचर्स देखने को मिलेंगे। अभी मुझे रीड डेटा के अंदर जाना है, उसमें रीड MRI मैं करूँगा। तो वन बाय वन आपके जनरेटिंग पावर स्टेशंस में जितने भी आपके एनर्जी मीटर लगे हैं तो उनको आपको वन बाय वन आप स्टोर करेंगे। या आप देख सकते हैं कि मैं रीड डेटा के अंदर जाके अपना पाथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिस मीटर का मुझे अभी लेना है उस मीटर की फाइल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। पाथ सेलेक्ट करते हुए कमांड के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और उसके बाद सेंड के बटन को दबाऊँगा। मेरा सेंड ओपन होते ही आप देख रहे हैं प्रोसेस होना स्टार्ट हो चुका है। तो डेटा कलेक्शन स्टार्टेड इस तरह का कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। और अगर इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को नहीं मिलता है तो स्टार्टिंग में ही आपका फेल डेटा करके आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरे हमारे अभी जो जिन लाइंस के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, यूनिट के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ट्रांसमिशन, ये टोटल हमारे 21 मीटर्स हैं। तो इन 21 मीटर्स का मुझे SCM डेटा कलेक्ट करना है। यह बेसिकली हमारा वीकली ऑडिट होता है, वीकली इसको लिया जाता है। कई पावर स्टेशंस में से SCM डेटा कहते हैं वीकली SCM डेटा रिपोर्ट, और कई जगह से MRI डेटा के नाम से भी जाना जाता है। दोनों सेम चीज़ है, बस नाम का फ़र्क है। तो बेसिकली जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं उनका रिवेन्यू जो हम जनरेट करते हैं, जो गेट करते हैं, वो इन SCM डेटा के मीटर के थ्रू ही करते हैं। इससे हमें पता चलता है एग्जैक्ट हमारा एनर्जी कितना गया है इस वन वीक में पर ब्लॉक, और उस टाइम पे क्या फ्रीक्वेंसी रहा, ये ऑल डिटेल्स को डिस्क्राइब करेगा और इसके थ्रू ही हमारा रिवेन्यू गेट होगा। ये पावर ग्रिड इसको बिल्ड करता है इन एनर्जी मीटर्स को। अभी मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है, तो इस तरह से मैं वन बाय वन अदर फाइल को भी सेव करूँगा। जितने भी एनर्जी मीटर हैं वन बाय वन मुझे इन सब का डेटा लेना है। अभी एक प्रोसेस तो आप देख चुके हैं, तो सेम प्रोसेस रहेगा। दोबारा से आप देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपने काफ़ी नॉलेज इससे गेन किया होगा। और बेसिकली मेरा ये वीडियोस बनाने का जो इंटेंशन होता है वो हमारे जो न्यू कमर्स आते हैं हाइड्रो सेक्टर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, ताकि उन लोगों को पता चले कि किस प्रकार से हम SCM डेटा कलेक्ट करते हैं और एक स्मूथ ऑपरेशन कैसे किया जाता है जिससे कि हमारा जो प्लांट है वो हमारा सेफ रहे। प्लांट के अवेयरनेस के बारे में मैं आप लोगों को बताते रहता हूँ और उससे जुड़ी जानकारियाँ मैं आप लोगों को देते रहता हूँ हाइड्रो से रिलेटेड और बेसिकली इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड। ये हमारे टेक्नीशियन भी या फिटर प्लम्बर भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं।
तो आई होप आप सभी को भी आई होगी वीडियो मेरी बहुत पसंद, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्किल में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी ज्ञान मिले और वो कुछ सीख सकें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।